जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान की अध्यक्षता में गुरुवार को कोविड से संबंधित जिला टास्क फोर्स की बैठक एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान ने कहा कि जनपद में सैंपलिंग निरंतरता बनी रहे तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए और यह सुनिश्चित हो कि वैक्सीन वेस्टेज ना हो। समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि चारगावा में अप्रैल माह की अपेक्षा मई माह में सैंपलिंग कम हुई है। उन्होंने एमओआईसी चारगावा को निर्देश दिए कि टेस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए। जिलाधिकारी ने ये भी निर्देश दिए कि पटरी व्यवसायियों का कैंप आयोजित कर वैक्सीनेशन किया जाए तथा वैक्सीनेशन हेतु वर्क प्लेस निर्धारित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने के दृष्टिगत मैन पावर प्रशिक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए तथा जून माह के अंत तक सभी पीएचसी पर 50 बेड की व्यवस्था के साथ ही मिनी पीको को पूर्णतः क्रियाशील कर दिया जाएगा ताकि वहीं पर मरीजों को प्रारंभिक इलाज उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन कार्य में प्राइवेट अस्पतालों को आगे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 3 प्राइवेट अस्पताल शाही ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल तथा श्रीजन आई मैटरनिटी सेंटर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 30 अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन अपनी सेवाएं दें जिससे अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड से बचाव हेतु वैक्सीनेशन एक कवच है और इसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि जून माह में गांवों में मेडिकल कैंप लगाकर कोरोना की सैंपलिंग कराएं तथा बीमारी का लक्षण पता कर लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा 30 जून तक रोस्टरवार गांवों में कैंप लगाया जाए तथा रोस्टरवार कैंप की सूची शुक्रवार तक उपलब्ध करा दें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव, एडिशनल सीएमओ नीरज कुमार पांडे सहित सीएचसी व पीएचसी के डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, सबसे पूरी सब चल रहा है, उसका चुनाव दूसरा सबसे चल रहा है, सबसे आते हैं। आज सुबह तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो एक्टिव केस है 1723 एक्टिव केसेस है। अप्रैल से मई को अगर कंपेयर करेंगे, अगर हम पॉजिटिविटी रेट और जो केसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीक वाइज हमारे केसेस भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है और थर्ड वीक में 7.5 था। और अभी जो जून में फर्स्ट जून से सेकेंड जून के अगर दो दिन की बात करेंगे तो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट मंथ वाइज हमारा अगर पॉजिटिविटी रेट देखेंगे, अप्रैल में हमारी पॉजिटिविटी रेट 8.4 थी और मई में हमारी टोटल ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 8.3 है। तो बस हमें इसमें ये ध्यान रखना है, हमें ये जो क्योंकि केसेस कम हो गए अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट अगर अप्रैल और मई में कंपेयर करेंगे तो बस 0.1% की डिफरेंस है। अगर डे वाइज पॉजिटिविटी की अगर बात करेंगे तो पॉजिटिविटी रेट कट रही है, लेकिन अगर हम कल के अगर देखेंगे तो कल हमारी पॉजिटिविटी रेट 5.6 दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कल सैंपल आपने कम लिए हैं, कल कितने सैंपल 824 ही सैंपल लिए टोटल है सर। अगर हमारे देखिए पिछले सप्ताह में बारिश के बाद हो सकता है पिछले महीने आपने 33,563 किए थे, इसी महीने मेरे को खत्म हो गई थी, 15,000 किए, आधा भी नहीं किए, क्या हो गया बच्चा? हाँ नहीं आ रहे हो नहीं सर, आप पहले से काम आ रहा है, फील्ड में भी हमने सैंपलिंग 4-5 दिन से लगातार फील्ड में भी हम कर रहे हैं सर। सैंपलिंग बीच में बंद तो नहीं किया आपने? नहीं सर, किसी दिन बंद नहीं हुआ, लगातार हो रहा है। पहले कितने कर पाते हैं आप सैंपलिंग?
एवरेज आपने 1000 सैंपल लिए थे, 1000 सैंपल प्रतिदिन के हिसाब से लिए हैं, एवरेज में नहीं। सर इस समय पॉजिटिव लोग कम आ रहे हैं इसलिए सैंपलिंग भी कम लोग करवा रहे हैं। अभी पर्सनल फील्ड में भेजे थे गाँव में, वहाँ से कोई कराने के लिए तैयारी नहीं हो रहा था सर। ये निगरानी समिति इसने तो बहुत लोग कर रही है कर्मचारी बीडीओ को सभी को सूचना करके दे दीजिए। अब वहाँ एक अंदर देखिए वो केवल आप सैंपल लेने के लिए जाएंगे तो नहीं आएंगे, लेने के लिए जाएंगे तो गाँव में रुक जाएंगे। अब उन लोगों को पहले बुलाना है, समझाना है बीमारी का लक्षण क्या है, कैसे होगा, कैसे बचाना है सारी चीज़, तो उसके बाद तो कुछ लोग का चाहिए तो फिर आप बीडी भी कर सकते हैं। इनके छोटी छोटी जो बीमारी है उनसे दवा वा देना तो आशा है सर माध्यम से, फिर आपका रोटी इन्फेक्शन इत्यादि तो चलता है उसमें यूएस के साथ टूटे हुए तो इमुनाइजेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए कैंप के माध्यम से करिए, केवल आप जांच करने के लिए जाएंगे बाहर जाएंगे गाँव में। अब उनके ऐसे योजना बनाइए जो भी है सब लोग सुन लीजिए, उनको इसी सेम शेड्यूल बना लीजिए, बरसात का कर ले इसी जून महीने के एक शेड्यूल आपका हाथ में होना चाहिए था, फलाना तारीख का फलाना गाँव में कैंप लगाएंगे। अब वो ऐसे शेड्यूल बना लीजिए कहाँ सबसे ज़्यादा केसेस आपको केवल स्टाफ है, अभी तो वैसे आगे में केस तो कम हुआ है, आपको तो पता होगा किस गांव में कचरा लेके हुआ, आपका ये तमाशा तो जानती है और आबादी के हिसाब से वो बताते भी है तो किस गांव में ज़्यादा आने का आशंका, उसी सबसे एक लिस्ट बना लीजिए 30 दिन के लिए, उसको शेयर कर लीजिए हमेशा शुरू सबको, हम तो सभी को सर्वेट करा देंगे, वहाँ गांव में बुनियादी हो जाएगा और वहाँ का प्रधान है वो भी सहयोग करेगा, ब्लॉक का तहसील कर्मचारी जो भी आपको साथ देंगे, एक मुहिम बना लीजिए ताकि जो गाँव वाले बहुत भयभीत हैं, ये तो सच्चाई है, ताकि ये भयभीत इसलिए है ताकि उनको लग रहा था उसका इलाज नहीं है, कोई आ जाएगा तो मर जाएंगे उनको, अब इसी को तो उसको दूर करना है ना, उसको कैसे बचा के रखना है। गांव में अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, अभी भी वो आदत नहीं है, शहर भले तो सीख ही दो वे उन्हें, गाँव में अब तक इतनी जानकारी नहीं आई, गाँव में बहुत अफवाह है, अफवाह ऐसे ही है तो वैक्सीनेशन लगाएंगे तो मर जाएंगे, आगे तो इस पर आपको वैक्सीनेशन में भी परेशानी हो सकता है, अब अभी ये परेशानी दूर करना होगी, यदि आप वैक्सीनेशन कैंप के साथ लगाएंगे तो और अच्छी है, बहुत अच्छी बात है यदि आप अभी समय में वेबसाइट में काम कर सकते हैं, धीरे धीरे बीस प्लेस इसलिए तो आज बुलाए हैं एक तरफ से मेडिकल कैंप में सारी चीज़ हो जाना चाहिए था। अब टीका जो डी इम्यूनाइजेशन से लेके जो टीका लगाते हैं वो टीका भी लगता है, साथ साथ एक प्रचार प्रसार का कार्यक्रम हो जाए उस पर, ताकि जे यही इसके लिए यही मौसम है उसका कैसे बचाव रखना है, फिर इसको भी कैसे करना है, जब तक अभियान को साथ साथ चलता है एक कैंप लगा दीजिए, उसको जरूर दे दीजिए, हम भी आ जाएंगे तो यहाँ सीनियर ऑफिसर भी आपके साथ आ जाएंगे, एक माहौल बनाना पड़ेगा उसका, ताकि ये तब ये सहयोग मिलेगी, लेकिन देखिए आगे भी वेव तो चलता रहेगा, बट हम वैक्सीनेट करके कितने लोग का हम कवर करेंगे, अभी तो आपको पता होगा कि सीओ सर्वे में सीरो सर्वे भी होने वाली है, सीरो सर्वे में भी गोरखपुर सेलेक्टेड है, अभी आगे हमें सीरो सर्वे के सैंपल लेना है, वैक्सीनेशन भी करना है, टीकाकरण भी लगना है, तो सारे चीज़ है, अब ये माहौल बनाएंगे तब ये सफल तो हो पाएगी, नहीं तो सहयोग नहीं मिलतीगा। तो उनसे कह देंगे व्यवस्था वो कर लें, मैंने वहाँ पर डॉक्टर का इत्यादि का सभी चीज़ का और वो ही मैनेज करें उसको, हम वैक्सीनेशन देखिए आगे 1 तारीख से 1 जून से हम लोग का जो वैक्सीनेशन का रणनीति नया चीज सीरीज से बना रहे हैं, खासतौर पर हम लोग बरसात के पहले जो कितने अधिकतम लोग का कवर कर सकते हैं उसका तो कार्य योजना हम लोग बनाए थे, और हर जगह ग्रामीण इलाका में वैक्सीनेशन कैसे करना है, और जो अभी इस समय में जो केस तो कम हुआ है और आगे कैसे सतर्कता बरतना है, रूटीन इम्यूनाइजेशन और ऑक्सीजन प्लांट आ रही है उसको कितने जल्दी इक्विप करना है, वो सभी का चर्चा हुई थी और सफलता मिलेगा जून महीने में हम लोग मेहनत करके हम कोशिश करेंगे 50% जो गोरखपुर जनसंख्या का वैक्सीनेशन में जून जुलाई में कवर करने के लिए जी, वैक्सीनेशन का संख्या भी बढ़ाएं, सेंटर का संख्या भी बढ़ाएं हम लोग, और पर डे हम अभी फिलहाल 10,000 से 15,000 वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उसको बढ़ाते हुए 20,000 से 25,000 पर डे के हिसाब से हम क्षमता वृद्धि करेंगे। गाँव में कैंप के माध्यम से लगेगी, कल से हम लोग कैंप के जरिए से जा करके केवल वैक्सीनेशन नहीं वो जागरूकता अभियान रहेगा, फिर कुछ लोग कोरोना टेस्ट करेंगे, ओपीडी भी कुछ करेंगे, फिर उसके बाद फिर वैक्सीनेशन भी करेंगे, एक अभियान के तौर से हम गांव में जाएंगे।